हेलो एवरी वन वेलकम यून दिस इज लीगल न्यूज एंड अपडेट सीरीज रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने केस के अंदर बोरोस के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट दिया जिसमें कोर्ट ने कहा कि बैंक को बोरोअर्स को भी सुनना चाहिए बैंक मस्ट गिव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड टू ऑल द बोरोस बिफोर क्लासीफाइंग देयर अकाउंट एज फ्रॉड उनके अकाउंट्स को एज अ फ्रॉड अकाउंट्स डिक्लेयर करने से पहले क्लासीफाई करने से पहले बोरोअर्स को भी अपनी बात रखने का एक मौका देना चाहिए एंड बोरोअर्स की बात को भी एक बार सुनना चाहिए राइट सो इन अ अग्निफिकेंट वर्डिक सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे हेल्ड दैट बोरोअर्स मस्ट बी हर्ड बिफोर देयर अकाउंट्स आर क्लासीफाइड एज fraud the court held that the principle of audi alteram partem must be read into the circular issued by rbi on the classification of bank accounts as fraud accounts quote जो भी आरबीआई ने सर्कुलर इशू किया है रिगार्डिंग कौन कौन so, को रीड करने के साथ साथ ऑडी ऑल्ट्रम और पार्टम की प्रिंसिपल को भी कंसिडरेशन लेना चाहिए विच इज दैट लेट द अदर पार्टी बी हर्ड हमें दूसरी साइड यानी कि दोनों ही पार्टीज को सुनना चाहिए एंड देर आफ्टर वी शुड टेक एनी डिसीजन इन द मैटर बिकॉज बिना उनकी बात सुने उनको आ, अपनी बात कहने की अपॉर्चुनिटी दिए बिना अगर हम उनके अकाउंट्स को फ्रॉड अकाउंट्स डिक्लेयर करते हैं देन उससे बहुत सारे सिविल कॉन्सिक्वेंस अराइज होते हैं फॉर द बोरो जैसे कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि ऐसे बोरोस को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है एंड दैट लीड्स टू वेरियस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज फॉर दोज पीपल इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट जितने भी बोरोस हैं अंडर द मास्टर डायरेक्शंस ऑन फ्रॉड uh, उन सबको एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए ऑफ बी हर्ड राइट सो सच डिसीजन मस्ट बी मेड बाय अ ऑर्डर जो मैटर था दैट हर्ड बाय अ बेंच ऑफ चंद्रचूत एंड जस्टिस कोहली दे जजमेंट पास बाय तेलंगाना हाई कोर्ट ही तो जो डिसम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी में तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था उसको अपहेल किया उसको राइट डिक्लेयर करते हुए कोर्ट ने जजमेंट दिया था और इस जजमेंट को देते हुए कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के एक जजमेंट को सेटिसाइड किया विच वॉज अकोट्री टू दिस वेरी आस्पेक्ट तेलंगाना हाईकोर्ट के जिस जजमेंट को कोर्ट ने अप हेल किया था इन दैट इट वॉज दैट कि किसी भी पार्टी को एज अ फ्रॉड्यूल बोर डिक्लेयर करने से पहले या फिर टू बी डिक्लेयरिंग हिम एज अ होल्डर ऑफ फ्रॉड्यूलेंट अकाउंट ये डिक्लेयर करने से पहले ऑडियो पार्टम के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना चाहिए एंड दैट पार्टी मस्ट बी हर्ड बाई दी राइट right. तो so, ये था हमारा आज का केस और इस केस का टाइटल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस राजेश अग्रवाल सो दिस इज रियली अ वेरी बेनिफिशियरी जजमेंट इन द फेवर ऑफ ऑल दी पीपल जिनका अकाउंट्स बिना उनको सुने फ्रॉडुलेंट कैटेगरी में क्लासीफाई uh, कर दिया जाता है राइट right. सो so, ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट लीगल न्यूज आई होप द अपडेट एंड न्यूज हैज बीन क्लियर फॉर मोर सच वीडियो नॉट टू टू सब्सक्राइब चैनल थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे